गुड मॉर्निंग साथियों, आ जाइए जल्दी से। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड की क्लास, और ये होती है सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सुबह 6:30 बजे से। इस समय जो टाइम है वो यही चल रहा है पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, और पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर ये क्लास इन्हीं 3 दिनों में रात 10:15 से आप देख सकते हैं पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर। फेसबुक पर भी ये क्लास चलती है, उसका टाइम आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भिन्नों का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। ओके, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। अगर मजबूत इरादे के साथ कुछ भी करते हैं लाइफ में, सब कुछ मिलता है। तो फिर ये सब क्या है, ये सब तो मुट्ठी का खेल। देखिए, भिन्नों का एलसीएम साथियों, फ्रैक्शन मतलब होता है किसी भी टोटल वस्तु का कोई एक भाग, वो तो मैं पहले बता दिया हूँ। तो एलसीएम के बारे में बात करते हैं। इसका एक फार्मूला टाइप का या मतलब समझ लो, अगर किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आप यहाँ पर लिख लो, ये सूत्र भी लिख लो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, हिंदी में लिख लो भिन्नों का एलसीएम इक्वल, क्या निकालेंगे, अंशों का एलसीएम अपान हरों का एचसीएफ। बस यही करना है। तो 3/2 और 5/7 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, देखो अंशों का एलसीएम, अंश मीन्स 3 और 5, तो 3/5 का क्या होगा एलसीएम, और 2 और 7 का क्या होगा एचसीएफ। निकाल लो, देखो 3/5 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, जानते हो एलसीएम निकाल लेना, 3 और 5 का 15 होगा, यह हर कोई जानता है। 2 और 7 का अगर एचसीएफ निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीएफ भी कहा जाता है, जीसीएफ मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हो गया पहला सवाल, नोट कर लिया, जल्दी करो, तुरंत हो चुका है। देखिए इसमें अब हम क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन चेंज करके आपको बता सकते हैं, ध्यान देना, और वो कैसे, गौर से देखना। देखिए मित्रों, यहाँ पर बात क्या है, अगर हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, यहाँ पर 15/10 लिख दिया, और यहाँ पर आप लिख लो 5/ लिख लो 14। अब इसका एलसीएम क्या होगा, अब बदल जाएगा, 5 और 5 का क्या निकलेगा 15 का, ये 15 और 5 का निकालोगे एलसीएम, ठीक ना। यहाँ पर हमने उसमें नहीं लिखा था, इसमें चाहे लिख लो का एलसीएम, और 10 और 14 का क्या निकलेगा एचसीएफ, लिखो, ये इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ निकालना है, निकाल लो। 5 और 15 का अगर एलसीएम निकालोगे, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, तो कौन होगा, 15 ही होगी, क्योंकि 15 जो है 5 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी, तो ऊपर क्या आ गया, 15 आ गया। 10 और 14 का निकालो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं, तो वो 2 होगा, 2 के सिवा और बाकी कुछ ना होगा। 3 हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कटेगा, 4 से कोई ना कटेगा, 5, 6 कुछ भी नहीं कटेगा, तो यही होगा, करके देख लेना, 2 होगा। तो ये हो गए आपके 1-2 सवाल, इनको नोट कर लिया आपने, और भी देख लो इसमें अगर देखना चाहते हो तो, आप देखिए आप घर से करके लाना, ठीक ना, एक लिख लो, इसको घर से करना, उदाहरण लिखो जल्दी से, होमवर्क भी किया करो। 14/21, देखिए आपका होमवर्क देखा जाए देर में या ना देखा जाए उससे नहीं मतलब, लेकिन आपको होमवर्क करना चाहिए ईमानदारी के साथ, इसको घर से करना। 14/21 और 18/15 का एलसीएम निकालना, इसी विधि से जैसे मैंने बताया है, करके व्हाट्सएप पे भेजना, जो ज्वाइन किए हुए उनका ज़रूर चेक किया जाएगा, ठीक ना। हाँ, अक्सर आप लोगों की शिकायत आती है चेक करने से संबंधित, तो करना, मैं बता दूँ 42 आएगा इसका, ठीक। इसी तरह का आप लोग और भी ढेर सारे सवाल लिख लो जल्दी से, नोट कर लो घर के लिए, जल्दी करो, एलसीएम निकाल के बताना, भेजना।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। 5 क्वेश्चन दिया है, घर से करना, इनका एलसीएम बताना। 32/19, 3/7, 3/9, 51/18, 102/18, 154/72, इस तरह से जो भी क्वेश्चंस 5 दिए गए अप टू, इनको घर से करना, जरूर करना। और अगर फ्री की क्लास जो भी यूट्यूब पे उपलब्ध है उसे देखना है तो PVR स्टडी इलाहाबाद को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लें, और इस क्लास को लाइक करना ना भूलें जिससे कि आप अगली क्लास भी देख पाएँ। सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन नहीं ऑन करते हो, इसलिए क्लास नहीं मिल पाती है। तो बेल आइकन जरूर ऑन करना, नहीं पता तो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करना। देखिए अगला है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न क्या होती है, ध्यान से देखना। देखिए साथियों, इसका मतलब क्या होता है, यदि भिन्न का हर 10 या फिर 10 की कोई घात हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। बात समझ रहे हो ना, दशमलव भिन्न किसे कहा जाता है, मतलब कि अगर भिन्न का जो हर है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, वो 10 है या 10 की कोई घात का रूप दिया है। घात का रूप मतलब ये कह सकते हैं जैसे 10 की घात 3 मतलब 1000 होता है ना, तो चाहे ये 1000 लिखा है तब भी इतना होगा, और चाहे ये 10 की घात अगर 3 लिख दो तब भी वही होगा, तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब इतना है तो ये दशमलव भिन्न नहीं, ये उसे दशमलव पद्धति में लिख दिया, अब ये क्या बन गई, दशमलव भिन्न बन गई। और इसमें आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं हल करने के लिए, उसे आप लोग खुद कर लेना। कुछ एग्जांपल हम आपको यहाँ पे करवा दे रहे हैं, उसको देख लो और घर से भी कर लेना, ठीक ना। क्लास को पूरा देखना, गारंटी हमारी होगी समझ में सब कुछ आएगा। जब बात पूरा हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बीच में बगल से, तुरंत जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना। सभी को आता है, जिनको नहीं आता बताइएगा, सिखा दिया जाएगा। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, चाहे जहाँ पर भी होंगे आप, हर जगह स्क्रीनशॉट लिया जाता है। हाँ, आगे देखना, अब इनको दशमलव भिन्न में बदलना। पहला क्वेश्चन है 21/100, दूसरा है 213/100, तीसरा है 1/10^3, चौथा है ये 10^5। नहीं आएगा तो बताना, टेंशन मत लेना बिल्कुल एक भी, 10^3 3 है ये। इनको क्या करोगे, दशमलव भिन्न में बदलोगे। जो घात लगी, इसका मतलब जान रहे हो, जितनी घात लगी है एक के बाद आप उतना जीरो बढ़ा दोगे। जैसे अगर आपको जानना है कि 10^5 का क्या मतलब हुआ ना, तो आप एक के बाद 5 जीरो बढ़ा दोगे, ये 10^5 हो गया। अगर 10^3 लगी है तो 1 के बाद 3 जीरो बढ़ा दो। तो ये वेरी सिंपल है। अब इसमें जो हम सवाल करने वाले हैं उसको भी ज़रा गौर फरमाना। आप लोग ये सब क्या करें, वीडियो को टच कर करके रोक लिया करें, अगर लिखने में दिक्कत होती है तो रोक करके लिखेंगे, ज़्यादा मस्त आएगा समझ में। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए जल्दी से, बहुत बड़ी बड़ी भिन्ने हैं। 2 सही 1/4 एक्सरसाइज है ये आप लोगों को हल करने के लिए। 2 सही 1/4 मतलब 2 सही 1/4। इसकी घात जो दी है ना साथियों, 1/2 दी है, 1/2 इसकी घात दी है, और प्लस 27 है, 27 का जो पावर लगी है ना वो माइनस का 2/3 लगी है। बहुत अजीब सी है ये, ध्यान से देखना, पूरा देखना कैसे होगा क्या होगा, बस देखते रहो, टेंशन मत करो, इतना ठीक है ना। देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको हम बदल लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो ये 4 × 2 = 8 = 9, 9/4 हो जाएगा, इसका घात 1/2 धन, ये 27 का घात था माइनस 2/3, वैसे लिख दिया, इतना क्लियर। अब देखो 9 को आप लिख सकते हो क्या, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, और ब्रेकेट बंद, बाहर से जो 1/2 था उसको लगा दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें इसे हल करना है, जितना छोटा हो सके सारा तरकीब लगा देंगे। और एक बात देखो, 27 को आप लिख सकते हो 3^3, क्यों करके देख लो, 3 × 9 = 27 होता है, लिख सकते हो ना। तो बस जो आप कर सकते हो उसको कर लो,
27 को लिख लो, 3 का घात क्या, ये लो 3, ब्रेकेट बंद, बाहर से माइनस 2/3। अब आगे देखते जाना क्या होता है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, जानते हो ना, अगर बेस समान होता है तो। अगर इस तरह का कोई घात होती है चुरकी पर, जैसे ये पढ़ा था ना आपने, क्या था वो, ए का पावर एन कोष्ठक बंद बाहर पावर एम, तो इसको आपको बताया था कि ये ए का पावर एम इंटू एन हो जाता है या एन इंटू एम हो जाता है, पढ़े हो ना घातांक के रूल में, पढ़े हो, तब जब आप पढ़े हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है, पढ़े हो तो कढ़े हो आप, चलो अच्छी बात है। तो ये 3/2 हो जाएगा, इसकी पावर जो 2 है उसका मल्टीपल 1/2 में हो जाएगा, ये हुई ना सही बात। और ये 3 की घात क्या है 3, ऊपर जो घात चुरकी पे है उसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस 2/3, यहाँ से 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, हल करना ना आएगा तो बताना। अब ये हो गया 3/2, इसकी घातें सब कट गई, बात ख़त्म हो गई, इसकी टेंशन मत लेना, ख़त्म सब काम ख़त्म, ये 3 का घात -2 बचा है, बाकी सारा लफड़ा ख़त्म, नोट कर लो, इतना हो गया ना। जल्दी जल्दी से आप लोग इसको साथ साथ में वीडियो को रोक रोक कर लिखते रहें। आप देखना 3 का घात -2 का मतलब जानते हो, मैंने पिछली कई क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया साथियों, इसको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया ना, फर्स्ट सेमेस्टर में कि थर्ड में, किस में बताया है, बताया, लेकिन ये फर्स्ट ही तो चल रहा है ना। तो अब आप 3/2 ऐसे लिख लो, देखिए यहाँ के बाद ऊपर हल करना, और प्लस किसी भी संख्या की घात माइनस का मतलब होता है कि वो संख्या बटे में दी है, एक बार इधर समझ लो अच्छे से। जैसे अगर कहीं ए का पावर माइनस एन दिया है ना, इसका मतलब हुआ ए का पावर 1/ मतलब इसका मतलब हुआ 1/ ए का पावर एन, अगर माइनस में घात लगी है तो इसका मतलब ये समझो कि उसका दर्द क्या है, यानी कि वो भिन्न के रूप में और हर में है, तभी ये ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है। तो ये पहले से माइनस था, देखो यहाँ माइनस था ना, हमने क्या किया इसको नीचे खिसका दिया बटे के, ये अब ये प्लस हो गया, बस प्लस हो गया तो काम बन गया, ये 3/2, 3 का घात 2 मतलब 9, ये 9 हो गया, एलसीएम ले लो दोनों का 18 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे 18 में 9 आएगा, 9 का 3 में गुणा करोगे 27 आएगा, 9 से भाग करोगे 18 में 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 हो जाएगा, इस तरह से 29/18 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, देखिए स्क्रीनशॉट लेना ना भूला करिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और हाँ, हमारी सभी क्लास को देखने के लिए पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ऑन करना, बार बार आपकी कंप्लेन आती क्लास नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती क्यों, मिलेगी बेल आइकन ना ऑन करोगे ना मिलेगी, और फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर पीवीआर स्टडी सर्च करके फॉलो कर लेना, जिससे अपडेट बनी रहे आपके पास। अगला क्वेश्चन देखना, दूसरा वाला ध्यान से देखना, देखिए साथियों ये क्या कह रहा है, 0.572 × 0.572 − 0.572 × 0.428, दशमलव वाला है, थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान होता है ये, देखो ये दो बार है ना, दो बार है तो क्या होगा, ये 0.572 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 0.572 इंटू जो है ये 428, इसको ऐसे लिख लो, देखो एक फार्मूला बन जाएगा, ये दोनों फिर वही है ना बी वाले जगह पर, तो ये 0.428 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, बस देखते जाना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ एक बात और देखना, वो क्या है साथियों, वो ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ये फार्मूला जानते हो कि नहीं, नहीं जानते हो जल्दी नोट करो, ये इधर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, यहाँ देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, बात समझ में आई ना, इसको लिख लो जल्दी से, तुरंत छाप लो फट से, माइनस वाला है एक प्लस वाला है, माइनस वाला है ना, ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब ए की जगह पर 0.572 मान लो और बी की जगह पर 0.428 मान लो, तो ये हो जाएगा फाइनल में ए प्लस बी मतलब 0.572 + 0.428 ए प्लस बी, कैसे हुआ ये ए प्लस बी। अब ए का स्क्वायर मतलब वही 0.572 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस का ए बी
माइनस ए, देखो ए की जगह पर 0.572 और बी की जगह पर 0.428, ना समझ में आएगा तो जीरो लेवल मैथ ज्वाइन कर लेना। जीरो लेवल मैथ में ये सब समझाने की पूरी गारंटी ली जाती है। हाँ जी बिल्कुल 100% गारंटी। और देखना आगे क्या होता है। ये तो मैंने लिख दिया बी की जगह पर, और फिर क्या है, प्लस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब उसी नंबर का स्क्वायर जो आपको दिया है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.428 का होल स्क्वायर। अब आप एक बात ध्यान से देखना, और वो कौन सी बात है, वो ये बात है ना साथियों कि ऊपर का ये सारा का सारा फंडा कट जाएगा, पूरी की पूरी लाइन। अब क्यों कट गई, अभी देखना। नीचे भी वही है, एकदम सेम टू सेम सब कट के बराबर हो गई। बताओ कटेगी कि नहीं। देखो ये चीज़ यहाँ पे सीधा सीधा मिल रहा है, माइनस का माइनस मिल रहा है, ये नंबर ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, और ये स्क्वायर वाला भी मिल रहा है, एक समान है ना। अरे जी जैसे अगर कहीं आपको मिल जाए कि 5x नीचे 3x गुड़ा आपको 5x मिल जाए, तो 5x से 5x कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना। तो बस फिर क्या, अब तो आपका उत्तर आपके मुट्ठी में आ गया है, कट गया ना। अब क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, नीचे जो बचा है ये दोनों जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1.0003 बार, 1000 आया, 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, फाइनल में ये 1 आ जाएगा, बस कितना आ गया 1। कितना आसान है ना। ये जीरो लेवल की मैथ नहीं है, ये DL Ed की मैथ है, फर्स्ट सेमेस्टर। अगर जीरो लेवल नहीं आती तो उसको ज्वाइन कर लेना साथियों। आगे देखना कुछ सवाल घर से करने के लिए, लिख लो जल्दी से। 2/5% को साधारण भिन्न में बदलो, बोलो कैसे बदलेंगे। देखो भाई प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, और हमने आपको बहुत बार बताया है कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाना मतलब घटाना, घटाना मतलब घटाना में भाग कर देना। तो 2/5% है तो 2/5 को क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए। तो ये जब भाग करोगे 100 से ना, तो क्या हो जाएगा मालूम है आपको, 1000 से नहीं करेंगे 100 से करेंगे, ध्यान देना अभी, ज़्यादा तो नहीं चमकने लगा ना, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको भाग कर दो, ऊपर का जो है पूरा भिन्न रूप में था, नीचे अकेला था, इसका बेचारा एक छिपा दो, फाइनल में हल करोगे तो 2/5 ऐसे लिख लो, ये पलट जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 2 से काट दो तो 50 आ जाएगा, इसका गुणा कर लो क्या आएगा, 250, कितना आएगा, 1/250, 250 लिख लो, हो गया। कह रहा कि 7.62 को 3 से अगर भाग करता है, ये उसे है नहीं है, ये क्या है, 3 से भाग करने पर क्या आएगा, चलो भाग करके दिखा देते हैं। वीडियो को तुरंत टच करके नोट कर लिया करें, जैसे सवाल हल हो जाए बिना देर करे हुए, क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम आपको देंगे कि आप लिखते रहो, ठीक ना। कह रहा है कि इसको भाग करने पे क्या आएगा, 3 से भाग करना है, भाग करने का मतलब होता है उसको नीचे लिखना ना, यही होता है ना। तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव है, दशमलव को हटा दो, ये लो हटा दिया, नीचे क्या होगा, 3 है ना, 3 है, 2 अंक पर दशमलव था, हटा दिया तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, काट दो इसको, कितने से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 7 42, 6 5 30, 50 आया, कितना आया 50, नोट करो जल्दी से। उसके बाद अभी इसको भाग भी करना है, और ये जा कहाँ रहा यार, अभी इसमें और भी कई सवाल बचे हुए हैं आपको बताने के लिए, अभी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। 2 अंक पर दशमलव था ना, ठीक है ओके। अब देखिए एक सम संख्या आ गई, एक विषम संख्या। अक्सर क्या होता है कि सम संख्या विषम संख्याओं से नहीं कटती हैं, तो ये 3 से कटेगी नहीं कटेगी, ये तो कतई ना कटेगा, 2 से भी ना कटेंगे, तो इनको भाग दे लो। अगर इतना ही मान लिखना है तो लिख दो, दशमलव में निकालना है तो दशमलव में निकाल लो। 50 से जाएगा 2 बार ले जाओगे, 100 आएगा, घटाओगे 27 आएगा, ऊपर क्या करोगे, अब दशमलव बढ़ा दो चाहे तो, या फिर इसे आप एक काम कर सकते हो, अगर दशमलव में लिखना है तो दशमलव में लिख लो, नहीं तो सही बटा में लिख दो। सही बटा में अगर आप लिखोगे, दशमलव में वैसे भी पूरा नहीं जाने वाला है, तो आपका हो जाएगा 2 सही 27/50, है ना, चाहे तो वहीं छोड़ दो। लेकिन आपके बुक में कहा था मान ज्ञात कीजिए, कुछ भी नहीं कहा था, कोई कंडीशन नहीं दिया था, तो चलो फिर कर लेते हैं, क्या करना है, इसको फाइनल कर लो।
क्या आएगा? क्वेश्चन तो आपने समझ लिया ना, क्वेश्चन को कोई ज़रूरत नहीं। अब ऊपर क्या करोगे, 27 आ गया, भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या करोगे? अब यहाँ कुछ उतार सकते हो क्या आप? 27 आया था, हो सकता है क्या? ऊपर पॉइंट बढ़ा लो, नीचे जीरो। देखो 5 बार ले जाओगे साथियों तो 300 हो जाएगा, 300 से कम है 270, तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जा सकता है क्या? 25, हाँ 5 बार जाएगा, 250 होगा, 6 बार जाएगा तो 300 होगा, तो ये 5 बार जा सकता है। ये देखो घटाने पे 2 आ गया और ये 20 हो गया। अब आप खुद से एक जीरो उतार सकते हो, क्योंकि दशमलव बढ़ाने के बाद आप कितना भी बार जीरो उतार लो, और 4 बार ले जाओगे तो 200 हो गया। देखो फाइनल में कम्प्लीटली आ गया आंसर, इसको भाग करने के बाद जो आया है ना, ये यहाँ से नीचे लाओगे 2.54 आएगा। बात समझ में आई? नोट कर लो जल्दी से। अगला कह रहा कि भिन्न किसे कहते हैं, आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका सवाल है ये, भिन्न किसे कहते हैं? हमने इसको पहले ही पढ़ा दिया है, किन्हीं दो राशियों के अनुपात को भिन्न कहा जाता है, किन्हीं दो राशियों के अनुपात को भिन्न कहा जाता है, ठीक ना? और भिन्न का कोई एक प्रकार बताओ, लिख दो, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समान भिन्न, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, कुछ भी लिख दो, ठीक? तो ये हो गया फाइनल। अभी इसमें और भी है, कह रहा कि भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो, ध्यान देना, भिन्नों को बढ़ते क्रम मतलब आरोही या अवरोही क्रम पूछ रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, जिसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर से नाम से भी जाना जाता है। तो चलो देख लेते हैं, आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर लिख लो अपना अपना जो भी मर्जी हिंदी इंग्लिश में, पहले मतलब समझना हम जो बताने वाले हैं। क्वेश्चन है 1/3, 2/5 और ये है 4/3 और 7/3 और ये 4/5, इसको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक? ORDER ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब INCREASING, ठीक? तो सबसे पहले सभी हर का LCM लेंगे, जब आप सभी हर का LCM लोगे यहाँ पर लेके देख लेना, 15 आएगा, कितना आएगा? 15 आएगा, आ गया ना? ध्यान से देखना आप, पहली भिन्न पे चलो, जो LCM आया है ना 15, उसको नीचे लिख लो, पहली भिन्न से चलो, पहले भिन्न के जो हर है ना उससे LCM में भाग दो, तो 3 से भाग दोगे 15 में कितना आएगा बोलो? 3 × 5 = 15, 5 आएगा ना, उस 5 का ऊपर गुणा कर दोगे तो 5 × 5, तो ये पहली भिन्न क्या बन गई? 1/3 की जगह पर 5/15 बन गया। दूसरा देखना, LCM इसके लिए भी 15 ही आया था मतलब, तो आप क्या करोगे? 5 से भाग दे दो 15 में, LCM में 3 आएगा ना, 3 का ऊपर गुणा कर दो 6 हो गया, ये दूसरा भिन्न का मान आ गया मतलब बन गया, समझना अभी आरोही क्रम बता रहा हूँ। उसी तरह से आप सब में करोगे, 3 से भाग करोगे तो 5 आएगा और गुणा कर दोगे तो 20/15 हो जाएगा, ये इसका मान हो गया। फिर इसके लिए हम यहाँ चलेंगे, 3 से भाग करोगे 15 में 5 आएगा, 5 × 7 = 35/15 हो गया, और इसके लिए चलेंगे 5 से भाग करोगे 3, 3 से करोगे 3 × 12/15। अब ध्यान देना, सभी के हर बराबर हो गए ना, हर बराबर हो गए तब फिर क्या है, अब तो आप कर ही लोगे ना जी। जैसे 5 चॉकलेट है, 15 बच्चों को बांटना है, 6 चॉकलेट में 15 को बांटना, 20 में 15 को और 35 में 15 को और 12 में 15 को, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम चॉकलेट किस में मिलेगा भाई? कौन से बच्चों का भाग्य फूटा जो थोड़ा थोड़ा पाएंगे बताओ, जिसमें कम चॉकलेट रहेगा ना, क्योंकि बच्चे तो हर जगह बराबर हैं, सभी में बराबर हैं, लेकिन चॉकलेट कम किस में है? सबसे कम इसी में है ना, तो इसी में सबसे कम मिलेगा, तो इसका मतलब ये 5/ क्या हो जाएगा? 15 पहले हो जाएगा, दूसरे नंबर पर 6/15 इसके बाद है जस्ट, तीसरे पर ये है 12/15, चौथे पर क्या हो जाएगा? 20/15, पाँचवें पर हो जाएगा 35/15। लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ, अभी तो इनका मुखौटा आया है, रियल भिन्न लिख लो। 5/15 किसका मान था? 1/3 का। 6/15 किसका मान था? 2/5 का। ऊपर को देखो, 12/15 किसका था? ये देखो, 4/5 का। फिर 20/15 4/3 का, और एक सबसे बड़का कौन था? 7/3 का।
तो साथियों ये हो गया भिन्नों का आरोही क्रम। उम्मीद करते हैं आप ज़िंदगी में कभी ना भूलेंगे। और हाँ बिल्कुल, बार बार तो बोलते रहते हैं ना कि पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं। अगर आप लोग डेली क्लास देखते हो तो यकीन कर लोगे आप भी कि हाँ आपको वास्तव में यहाँ पर जीरो से हीरो बनाया जाता है। हाँ, अगर इस क्लास को आपको फिर से देखना है ना तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लो। चलो नेक्स्ट, अगला देखिए, क्लास जब तक ना ख़त्म हो तब तक देखा करिए। अगर बीच में छोड़ दोगे ना तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके देख लेते हैं, बड़के नेता बनते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़िंदगी में तो करना क्या चाहते हो फिर? ये सब शिकायतें आती मुझे मालूम चलता है। तो टाइम नहीं है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, एक क्वेश्चन और है, वो कह रहा 13, 39 और 273 का HCF। क्वेश्चन है, नंबर कुछ भी लिख लो यार, 5, 6, 7। 13, 39, 273 का भाग विधि से HCF, इसको खुद से करना, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला लिख लो, लघु उत्तरीय में 6वां नंबर डाल दो। बड़ा सवाल है, नोट करना। दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, छोटी संख्या 105 है, तो बड़ी संख्या बताओ। सवाल लिख लिया ना, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। ऊपर वाला जो है खुद घर से करना। देखो कह रहा दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता घटाना। कह रहा कि घटाने के बाद जो आता है 100 कितना आता है, 8/13 आता है, 8/13। उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर जो है 105/52 है। तो लिख लो प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो माना बड़ी संख्या बराबर। क्यों बड़ी मान रहे हैं, क्योंकि कह रहा कि छोटी संख्या दी है उधर देखो, तो बड़ी संख्या हो गई x। अब लिखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाते हैं ना, सभी जानते हो ना। तो ये बड़ी संख्या हमने मान लिया है, छोटी संख्या दिया था इनका, इनका जो अंतर है घटाने पे 8/13 आता है, देखो दिया है। बस इसी को हल कर लेना है, चुपके से कर लो, 52 का गुणा कर लो, ये हो जाएगा 52x-105/52 इक्वल हो जाएगा 8/13। नीचे दिख रहा है ना, एकदम स्पष्ट दिख रहा है ना, नज़र आ रहा है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो इधर, इसका इसमें क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसका इसमें कर लो, तो ये 13 गुणा हो जाएगा 52x-105/8 क्या हो जाएगा, 52। ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। हमें चूंकि x का मान निकालना है इसलिए हम 13 मेरा उधर भेज देंगे जो भी है। तो ये हो जाएगा 52x-105/8 ये 13 इधर हो जाएगा नीचे आके। क्यों नीचे हो जाएगा, इधर गुणा में था उधर भाग में हो गया, 13 से काट दो ये 4 आ गया। अब 8 का गुणा कर लोगे, ये 52x क्या हो जाएगा, 8 का 4 में गुणा कर लो, हो गया 32। और फिर 105 उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा जाके। इस तरह से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 105 में 32 जोड़ोगे 137, और ये 52 इधर आ जाएगा नीचे बटे में, हो गया ना। यानी कि दूसरी संख्या 137/52 आई। लेकिन आप लोगों के मन में होगा सही है कि गलत है, चलो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ ये सवाल सही है कि गलत है। ध्यान देना, स्क्रीनशॉट पहले ले लो और फिर हम इसको सिद्ध कर देते हैं आपके सामने कि ये सही है कि गलत है। चलो ठीक है, हो गया ना, इतना हो गया। हाँ, अब जो है इनका अंतर 8/13, साथियों 8/13 आना चाहिए। चलो ठीक है, ये मैं सिद्ध कर रहा हूँ, कोई काम का नहीं, आपके उतना आप कर लीजिए जितना पहले मैंने लगाया था। बस हमारा x का मान क्या आ गया, 137/52 आ गया ना। लिख लो x की जगह पे क्या, 137/52। किसकी जगह पर लिखोगे, x की जगह पर, माइनस की जगह माइनस, 105/52 बराबर 8/13 है, दोनों बराबर आना चाहिए। घटा के देख लो, दोनों का नीचे नीचे बराबर है, ऊपर घटाओगे तो क्या आएगा, ये घटा लोगे तो 32/52 आएगा साथी, और ये 8/13 आएगा। काट दो इसको 4 से, 4×8=32, 13×52, देखो ये आ जाएगा बराबर, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो डंका की चोप पे आप बोल सकते हो कि ये सवाल सही है, ठीक ना। इस तरह से आप सिद्ध भी कर सकते हो, इसका कोई काम नहीं था लेकिन जो मैंने सिद्ध किया आपको दिखाने के लिए कि।
साथियों, एक खुद को आजमाने वाला सवाल आ गया आपके सामने, प्रतियोगिता का सवाल है। इसको बारे में बताओ जल्दी से, चलो बताओ। एक कार है जो कि 1 लीटर पेट्रोल में जा रही है, कितना जा रही है आपके सामने है, कुछ जाती है 16 किलोमीटर, तो बताओ कि 8 6 3/8 लीटर में कितना जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, जो दिया है लिख लो। 1 लीटर तेल में जाती है कितना, 16 किलोमीटर, इसलिए 6 8/3/8 लीटर में जाएगी। तो ये मतलब समझना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसलिए 6 3/8 लीटर पेट्रोल में जाएगी कितना, 16 से इसका गुणा कर लो, 16 × 6 3/8, हल कर लो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 48, और 48 में 3 जोड़ोगे 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 51/8, काट दो, ये हो गया 2, गुणा कर दो 102 किलोमीटर। कितना प्यारा सा सवाल था ना, 102 किलोमीटर जाएगी। अब कुछ लोग इसको देख के परेशान हो गए होंगे, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, ऐसे कैसे होगा। नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। तो साथियों, ये क्लास जो है वो यहीं तक थी आज के लिए, और चलते चलते इन जानकारियों को नोट कर लेना। अगर डेली पढ़ना है, कंप्लीट क्लास आपको करना है DLED की, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या कोई भी सेमेस्टर की गणित अगर घर बैठे सीखना है, बिल्कुल ऑटो के किराया में आपको पूरा मैथ मिल जाएगी घर बैठे, मात्र 549 रुपये में। अभी आपको ज्वाइन करने के लिए आज 24 सितंबर से ना 4-5 दिन का टाइम है, 549 में, नहीं तो 1 अक्टूबर के बाद ये 699 रुपये होने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी अगर सोच रहे हैं तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट क्लास नहीं मिलेगी, पूरा कोर्स नहीं पूरा होगा। अगर कोर्स पूरा करना है तो ज्वाइन कर लें। डेमो के रूप में आपने 7-8 क्लास देख लिया होगा, आज ये क्लास 8वीं थी। कौन सी क्लास थी, 8वीं क्लास थी, है ना, तो 8-10 क्लास आपने डेमो देख लिया, बाकी बीच बीच में मिलती रहेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी। अब 8वीं के बाद हो सकता है आपको 9वीं 10वीं 11वीं ना मिले, क्लास 12 13 14 मिल जाए, फिर 15 16 ना मिले, 17 ना मिले, 18 19 20 मिल जाए, तो क्या करेंगे ऐसे देख करके, कोर्स ना पूरा होगा। और हाँ, अगर ये कर लेंगे आप तो प्यार से देखें, घर बैठे देखें, कहीं से भी देखें, कभी भी देखें, कितनी भी बार देखें, बस आप ही की क्लास है, देखते रहें और इतना सा करें, ठीक है ना। तो चलते हैं आज के लिए, बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। चलते चलते याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, फिर से मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए, हम आपके आभारी रहेंगे।